हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, जो मैं ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब जानते हैं बोगनवेलिया का प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो उगा हुआ है ये सब नहीं जानते हैं। इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि इसमें जो एक घास उगी हुई है, ये घास नहीं है, एक मेडिसन्स प्लांट है। तो आप नहीं जानते तो बताती हूँ, ये जो इसमें ये वाली घास है इसको भूमि आंवला बोलते हैं। देखिए, मेडिसिन प्लांट है, इसको स्टोन क्रैकर भी बोलते हैं। और इसके जो पीछे छोटे छोटे आंवले टाइप के लगे रहते हैं, देखिए इसके लीव्स के पीछे, तो इसको भूमि आंवला बोलते हैं। और ये जो प्लांट है इसमें उगा हुआ है इसको दूधी बोलते हैं। दोनों मेडिसिन प्लांट हैं, आजकल ये नर्सरी में भी आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए, आपको पास से दिखाती हूँ, ये भूमि आंवला है। आपने इसको घास समझ के उखाड़ा होगा ज़रूर, मैं बरसात के अंदर ये सभी गमलों में उग जाता है। और ये स्टोन क्रैकर तो है ही, तो मेरा वीडियो इस पर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही थी, ये वर्क कर रही थी जो, तो अपन इसको अलग से गमले में लगा सकते हैं। लेकिन अब इसकी इसमें इतना ज़्यादा ये उगया हुआ है कि इसको निकालना मुझे ज़रूरी है। तो इस तरीके से अपन इन गमलों अलग से इन प्लांट को रख सकते हैं, जिसमें यदि आपके खाली गमले में उगा हुआ है बरसात में, तो ये काफ़ी यूज़फुल प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है। तो मैं आज का वीडियो बोगनवेलिया पे बना रही हूँ। ये बोगनवेलिया का जो प्लांट है, इस प्लांट को रिपोर्ट कर रही थी, तो मैंने ये शेयर कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अपने गमले में बरसात में ये घास, ये प्लांट सूख जाते हैं अपने आप ही। और ये मेरा गमला टूटा हुआ है, मैंने ये इसमें ये देखिए बोगनवेलिया की मैंने कटिंग्स लगाई थी, और ये काफ़ी अच्छी हो रही है इस टाइम पे। और इसमें मैं फूल लाना चाहती हूँ, तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। बोगनवेलिया को अपन रेगुलर कटिंग करते रहते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। और यदि आपने अभी बोगनवेलिया नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं। और इसको बोगनवेलिया का काफ़ी हार्डी प्लांट है, रोड साइड पे लगे हुए आपने देखे होंगे, इसको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फ्लावरिंग का होती है। जितना अच्छा लगता है ये प्लांट, बेल होती है, लेकिन इसको अपन गमले में लगा के इसको प्लांट का रूप दे सकते हैं। और इसकी रेगुलर कटिंग करेंगे जितना इसमें फ्लावरिंग होगी, और इतने घने आपके प्लांट में फूल आएंगे। तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था कि जो इस तरीके की ये जो घासें हैं, ये आजकल नर्सरी में अपन को मिलती है, और अपन को पता नहीं रहता, अपने गमले में ही उगी रहती है, अपन उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से जो भी घास हो आप इसका ध्यान रखें, और अपन लगा भी सकते हैं अलग से गमले में, और इसका यूज कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो बनाया था, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।